देखो जो भूमि अधिग्रहण का इशू है, सरकार ने बिना अधिग्रहण की खतौनी से नाम हटा दिए करीब 20 गांव के किसानों के, तो ये तो तानाशाही होगी ना भाई। आपको लेनी जमीन बाजार भाव पर आप ले लो, कोई विकास कर रहा है, ये जबरदस्ती तो नहीं होगा। किसान का कब्जा है, यहाँ पर संघर्ष होगा। ये कोई किसान ऐसे ही नहीं आ रहे यहाँ पर, संघर्ष होगा और उसके लिए हम तैयार हैं। मणिपुर घटना दुखद घटना है, बहुत जंगे अपराध है, सोची समझी चाल है, इससे ज्यादा जंगे अपराध हो नहीं सकता। किसानों को फायदा आंदोलन से भी लगा, किसी पार्टी से नहीं मिलना। आंदोलन मजबूत रहेगा तो फायदा भी लगा। अब यहाँ पे आंदोलन है, किसान त्रस्त हैं तो आ रहे, ये संघर्ष करेंगे इनका फायदा होगा, और ये रहेंगे पार्टी का भरोसा रहेंगे तो भाई पार्टी तो भाई अपना कोई सूखी रोटी खा रहे पार्टी वाले, को मक्खन लगा कर खा रहे है जी। रणनीति आगे की आंदोलन की रहेगी, हाँ ट्रैक्टर मार्च से बढ़िया निकलता है, हो सके कि लखनऊ तक मार्च निकाल लें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।